अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोल्स लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हमारी ही तरह ही आपकी भी ईद की तैयारियाँ जो हैं वो पूरे जोश के साथ हो रही होंगी। हमारा भी यहाँ पे यही हाल है। बच्चों के किसी का कुर्ता नहीं है, किसी की वास्कर नहीं है, किसी ने नेल पॉलिश लेनी थी, बस इसी तैयारियों में लग गए हैं। तो आइए आपको दिखाती हूँ कि कैनेडा में क्या हालात हैं, कितना हर तरफ माहौल सही रौनक लगी हुई है। ईद बाज़ार की हर जगह ईद फेस्टिवल हो रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ जगह जगह पे ईद फेस्टिवल। लेकिन मैं जहाँ गई हूँ, इसका एड्रेस 6900 एयरपोर्ट रोड, वरना आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे फेस्टिवल नज़र आएंगे आपको। तो एक चांद रात आ रहा है टोरंटो प्रीमियम आउटलेट, वहाँ पे भी मैं ज़रूर जाऊँगी। कोशिश मेरी है मैं जाऊँ, चांद रात का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। आप लोगों को पहले से ही बताती हूँ, फिर आप लोगों को होता है जो इधर के मिसिसागा ब्रैम्पटन वाले हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर हो रहा था, आपने हमें थोड़ा पहले बताना था ताकि हम भी जाते। तो अभी से सबको कह रही हूँ कि चांद रात का फेस्टिवल हो रहा है टोरंटो प्रीमियम आउटलेट पे, लेकिन फिर भी जाने से पहले आप सर्च भी कर लेना, तो फिर जिसने जाना हो वहाँ चली जाइएगा। बड़ी अच्छी अच्छी शॉपिंग हो जाएगी ईद की वहाँ पे आपके लिए। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ कपड़े देख रही थी, मुझे चाहिए था हसन के लिए, बाकी तो सबकी शॉपिंग हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलिए देखती हूँ कि हसन के लिए मुझे क्या मिलता है। ਤਾਤਾ ਹਸਨ ਦੇ ਪਰ ਆਉਂਗਾ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਸਾਦਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਫਾਜ਼ੇ ਪੈਂਸੀ ਮਫੀ ਅਲਕਾਨ ਖਲੇਗੀ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਗਾ ਦਗਾਈ ਕਨੇ ਕਿ ਬਾਸਕਟ ਪਕਾਰ ਦੇ ਰਾ ਜਮਾ ਕਲਮ ਜ਼ਨ ਦੇ ਪਰ ਆਸ ਪਾਸ ਕਨ ਜਮਾ ਅਜੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਵਨ ਯਰ ਪਲੇਟ ਯੇ वाओ, बिल्कुल ठीक है। देर खा लगी बटन मक्की ना बंद काची सम देख ना लोई वालू यो साइज और एक आपको बताऊं जो मैंने अभी आपको कहा है ना कि टोरंटो प्रीमियम आउटलेट पे चांद रात का हो रहा है, वो 20 अप्रैल को हो रहा है और 12 बजे से लेके रात 9 बजे तक है। मुझे उम्मीद तो है ये बड़ा अच्छा होगा क्योंकि आउटलेट वैसे भी बहुत खूबसूरत है वो सारी जगह, तो अगर वहाँ पर ये सारे स्टॉल लगे हों तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी रौनक भी होगी। अभी तो पता नहीं, कोई तजर्बा नहीं है, अभी फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो अगर गई तो, क्योंकि मेरा उस दिन काम भी है, सुबह 7:30 to 4 o'clock तक मेरी शिफ्ट है, अगर थकी हुई ना हुई तो फिर वहाँ ज़रूर जाऊँगी। यहाँ से मैंने हसन के लिए कुर्ता और एक वास्केट ली है, और कुर्ता और शलवार जो है वो मुझे मिल गई है $50 में, और $50 में वो वास्केट कह रहा था लेकिन वो $40 में, तो $90 में दी है। तो यहाँ पे हमेशा कैश लेकर जाया करें अगर क्योंकि फेस्टिवल वगैरह में ज़्यादा कैश चलता है। तो लेकिन हमने इनको ई ट्रांसफ़र कर दिया था ना, तो ये अभी बाकी फैंसी कपड़े हैं, लेकिन इससे पहले जो कपड़े थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, लोन के कपड़े हैं और ईद के लिए अच्छे हैं ना। तो यहाँ पे इंडिया से भी लोगों ने बहुत सारे स्टॉल लगाए थे क्योंकि उनको भी पता है कि हमारी ईद है ना, तो इस वजह से उन्होंने भी लगाए हुए थे यहाँ पे अपने अपने जिन जिन की यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आके ना स्टॉल लगा देते हैं। तो और साथ शॉप का नाम भी लिखा होता है, कोई कोई इंस्टाग्राम पे किसी का पेज होता है, कोई वहाँ से बिज़नेस कर रहे होते हैं, कोई जो है जिनकी शॉप्स है वो यहाँ ला के, तो उनकी ऐसे मशहूरी भी हो जाती है। तो अभी ये पाकिस्तान की तरह शालें मुझे नज़र आई, कश्मीरी शालें, तो मैंने कहा कि ये भी आपके साथ दिखाती हूँ कि देखें इस तरह शॉलें वगैरह भी मिलती हैं यहाँ पे ना, ज्वेलरी वगैरह भी है, चूड़ियाँ भी हैं। कोई वक्त था कि हमें इन चीज़ों में मुश्किल होती थी, लेकिन अब तो हर चीज़ है। लेकिन फेस्टिवल में ज़्यादा मैंने ये देखा है औरतों की चीज़ें ज़्यादा, औरतों की ज्वेलरी, औरतों के कपड़े, खुस्से, तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं, चूड़ियाँ वगैरह ना, बच्चों के भी बहुत है। लेकिन मर्दों की क्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी ना, मर्दों की एक या दो स्टॉल होता है, लेकिन फिर भी मुझे मिल गए एक दो स्टॉल था, लेकिन वो भी अच्छा था। लेकिन उसके लिए अगर आप ब्रैम्पटन मिसिसागा में रहते हैं ना, तो मेरे ख्याल से जुनेद जमशेद की जो शॉप है ना वो सबसे अच्छी है। वो मैंने इसलिए नहीं शेयर की, वो मैंने पिछले साल भी शेयर की, उससे पिछले साल भी शेयर की, तो मैंने कहा इस साल मैं नहीं करती ना। मेरे पुराने व्लॉग हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपने देखना है। और प्राइसेस जो है ना वो सेम है जुनेद जमशेद की कुर्तों की और यहाँ पे ना,
तो वहाँ पे आप मेरी कोई भी जुने जमशेद शॉप गुल्ज़ लाइफस्टाइल करें तो आपको मिल जाएंगी मेरी वीडियो पुरानी पिछले साल की ना, उसमें मैंने बनाई हुई है कि उधर वहाँ पे आपको खेड़ियाँ भी मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको डिफरेंट कुर्ते भी मैंने दिखाए हुए हैं प्राइजेस के साथ कि आपको 50-55 डॉलर, $60 में मर्दों के लिए आराम से शलवार कुर्ता मिल जाएगा, बच्चों के लिए $35-$40। यहाँ पर ये मैं एक परफ्यूम की दुकान पर थी। अच्छा, मैं जब लास्ट फेस्टिवल में गई वहाँ पर मुझे एक इसी तरह अरबिक थी शॉप, उसके पास परफ्यूम बहुत अच्छी कलर वो होती है खुशबू की ना, तो यहाँ पे मैंने वो मिस कर दी, $60 में थी। जब हम घर आए तो मैंने बड़ा याद किया कि हमने वैसे ही मिस कर दिया, हम ले ही लेते, लेकिन जब अभी आए तो इस लड़के का पास ये वाली परफ्यूम मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने इसे ख़रीद ली। फिर मैंने इसको कहा तुम्हारी कहीं शॉप है, जब हम कभी आए तो तुम्हारी शॉप से ख़रीद लिया करेंगे, तो वो कह रहा नहीं मेरा इंस्टा का पेज है, आप वहाँ से आ सकते हैं। तो मैंने वीडियो बना ली, मैंने कहा चलो मुझे ख़ुद के लिए भी आसानी रहेगी जब मैं इनसे लेना चाहूँगी तो ऐसे मेरे से इनका एड्रेस कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो मैंने इसका ये इंस्टा का पेज है ना, आप भी इसके पेज को फॉलो करें, और अगर ऑर्डर करनी है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर यहाँ पे इनको कर सकते हैं मैसेज वगैरह, तो आप इनसे परफ्यूम ले सकते हैं। बहुत अच्छा ये लड़का था ना, आप इसको बताइए कि गुल लाइफस्टाइल से आए, हो सकता है आपको कुछ पैसे भी कम कर देना, लेकिन $50-$60 में बहुत अच्छी, ये हमने जो ली थी ना परफ्यूम ये $60 में उसने हमें दी है, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू से ज़्यादा मुझे इसकी बोतल इतनी अच्छी लगी। मैंने इसे कहा, मैंने कहा मुझे ना खुशबू से ज़्यादा अच्छी बोतल लगी है तुम्हारी, तो ये फिर हंसने लग गया, कहता सब लोग यही कहते हैं। परफ्यूम ले लिया वही जो प्यारा सा था, ये वाली। बस यहाँ पे हम लोग घूमते फिरते जा रहे थे और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिलते हैं, इतना वो प्यार करते हैं, जहाँ भी जाती हूँ बहुत सारे माशाल्लाह से लोग मिलने लग जाते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं और इतना खुश होते हैं कि यहाँ पे भी एक भाई मिले, वो जब हम गुज़र रहे ना तो गुज़रते ही कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, तो हमने जब देखा तो वो फिर सजात के साथ मिले, क्योंकि सजात को सब लोग जाने लग गए हैं ना, तो एक और सिस्टरें भी यहाँ पर थी बहुत सारे, यानी कि अपने कम्यूनिटी के लोग हैं ना ज़्यादा, तो वही हमारी वीडियो ज़्यादा देखते हैं, तो सारे बहुत प्यार करते हैं, जहाँ भी जा रही होती हूँ तो सारे बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्योंकि बच्चों को भी सब ने वीडियो में देखा हुआ है, सजात को भी, तो वो जब मैं अकेली होती हूँ फिर तो मुझे नहीं इतना कोई जानता, लेकिन जब मैं हस्बैंड के साथ होती हूँ ना फिर बहुत सारे लोग जान रहे होते हैं। बस अभी इधर रोड पे जाते जाते यहाँ पे रमदान करीम का ये इस तरह साइन बोर्ड लगा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। खैर मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई, तो फिर 410 हम लोगों ने वहाँ से हाईवे लिया और सीधा घर की तरफ आए। मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, क्योंकि आप फिर पूछते हैं आपने क्या शॉपिंग की है, तो यहाँ मैंने सिर्फ एक परफ्यूम, एक हसन की बास्केट और एक हसन के लिए सूट लिया बस, और मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया। तो ये थी हमारी थोड़ी सी शॉपिंग। फिर इसके बाद इफ्तारी के लिए मैंने हस्बैंड से कहा बच्चों से चलो चलते हैं मस्जिद आज, इस ब्रैम्पटन इस्लामिक सेंटर जो मैकलॉगलन एंड बोवेड भी करीब है और मैकलॉगलन एंड सैंडलवुड का क्रॉस भी है, तो यहाँ पे है मस्जिद, वहाँ पे हम लोगों ने कहा चलते हैं आज संडे। ये संडे का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये जो पिछला 2-3 दिन पहले संडे गुजरा है ये उस दिन मैंने वीडियो बनाई, तो वहाँ आज मेरी छुट्टी भी थी तो मैंने कहा चले चलते हैं, फेस्टिवल भी चलते हैं और इफ्तारी भी करके आते हैं। तो ये इफ्तारी जो थी स्पॉन्सर्ड, ये कमल खीरा, ये मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ की, इसको हमने 3-4 साल से कंटिन्यू वोट भी दे रहे थे, तो ये बहुत इसने अच्छा, इतना अच्छा इंतज़ाम, इतना अच्छा महंगे वाला इन्होंने चाइनीज़ खाना हम सबको दिया, और इसका स्पॉन्सर था ये आज का खाना जो था, और फिर सबके साथ इसने इफ्तार भी किया, बहुत अच्छी इसने बातें भी की हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि कैसे सब में मिलजुल के बैठ के ये हमारे साथ खा रही है, कोई एटीट्यूड नहीं था इसमें, कोई इसके साथ सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, सब इसके साथ पिक्चरें हंसी खुशी बना रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। अभी आपको दिखाती हूँ, और इनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है। चलिए अभी आप इनकी बातें सुने, मुझे इजाज़त है, चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अल्लाह हाफिज़। vulnerable in our community, and I just see that every single day in our community of Brampton West. So I just want to say thank you for all that you do. It is truly an honor and a privilege to represent this beautiful community, and just know as your member of Parliament and as a friend and a family member, I would always say, just know my office is only 5 minutes away from here at 25 Van Peck Drive. Always happy to support you and help you in any way. And I know Eid is approaching, and inshallah I'll see you again, hopefully very soon. And please stay safe and get home safe later tonight. Thank you very much. Once again, Ramadan Mubarak to all of you. Thank you.